हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल। वेल गाइस, किसी व्यूअर ने पूछा है कि सर प्रेजेंट पार्टिसिपल को मतलब प्रैक्टिकली कुछ समझाइए, कुछ सिचुएशनल बताइए। गाइस, प्रेजेंट पार्टिसिपल को एक्चुअली ना हवा बना दिया गया है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि स्पोकन इंग्लिश में इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। देखिए गाइस, प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब है कि हम अगर दो टुकड़ों में कोई सेंटेंस बोलते हैं, हम छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलते हैं, तो उसको कंबाइन करके एक स्टैंडर्ड बनाने के लिए हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल है, हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है, कई तरीके हैं। यानी कि सिंपल जो सेंटेंसेस नहीं होते, बचकानी हरकतें हम करते हैं, उसको थोड़ा स्टैंडर्ड करने के लिए सब चीज़ें बनी हुई है। अब इसी को बवाल बना दिया गया, फिर भी चलिए कोशिश करते हैं। तो कई इसके सिचुएशंस हैं। पहला सिचुएशन मैं डील करता हूँ, हम बात करते हैं एक स्टेट ऑफ बीइंग की। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब है कि मान लीजिए कि कोई भूखा है, तो भूखा है ये उसकी अवस्था है ना, वो कोई एक्शन नहीं कर रहा है, वो भूखा है। यानी कि बी जो वर्ब है ना, बी का जो फोल्डर है, इसमें इज, आर, एम, वाज, वर, ये सब आएगा ना। तो इस तरह से अगर कोई वाक्य हो, जैसे कि आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ, ही इज ब्लाइंड, वो अंधा है, तो अगर कोई बंदा कोई चीज़ है, भूखा है, वो परेशान है, वो डिस्टर्ब्ड है, और जिसकी वजह से मतलब ये है, इसलिए वो कुछ रिजल्ट आ रहा है, मतलब कुछ कारण है और उसका रिजल्ट आ रहा है। जैसे कि मैं भूखा हूँ इसलिए मैं रेस्टोरेंट जा रहा हूँ, तो मैं रेस्टोरेंट क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि मैं भूखा हूँ। तो ये कहीं ना कहीं कारण है ना रेस्टोरेंट जाने का, कि मैं भूखा हूँ। इस तरह के अगर दो टुकड़े हैं, मैं बोलूँ कि नो आई एम हंग्री, फिर मैं बोलता हूँ कि आई एम गोइंग टू रेस्टोरेंट, तो दो टुकड़े में मैंने सेंटेंस बोला ना, दो बार मैंने वर्ब यूज़ किया ना, कि आई एम हंग्री, एम आ गया यहाँ मेन वर्ब के रूप में, आई एम गोइंग टू रेस्टोरेंट, गोइंग आ गया। तो इन्हीं को ना ऐसे कंबाइन कर दिया जाता है, उसको एक कर दिया जाता है, और उसके लिए हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ना पड़ता है। अब समझ में आ रहा है कुछ? तो हमें कैसे बोलना होगा? तो स्टेट ऑफ बीइंग जब आएगा, तो जैसे आई एम हंग्री ना बोल करके आप सीधा बी में आई एन जी लगा दीजिए, बीइंग हंग्री कर दीजिए, बीइंग हंग्री। आई एम हंग्री, इसको हमें क्या करना है, बीइंग हंग्री, कॉमा मारिए, रिजल्ट दिखाइए, क्या रिजल्ट है, बीइंग हंग्री आई एम गोइंग टू रेस्टोरेंट। यानी कि हिंदी में सोचेंगे तो भूखा होने के कारण, भूख की वजह से, क्योंकि मैं भूखा हूँ, भूखा होने के नाते, ना जाने क्या क्या हिंदी इसके बन जाती है। लेकिन हमें करना क्या है, बस एक रीज़न है कि मैं हंगरी हूँ, मैं रेस्टोरेंट जा रहा हूँ, तो बीइंग हंगरी आई एम गोइंग टू रेस्टोरेंट। अगर ये पास्ट में होता तो कैसे होता, कि बीइंग हंगरी आई वेंट टू रेस्टोरेंट। ओके, एक बंदा ब्लाइंड है, अंधा है तो वो रोड नहीं पार कर पाया, तो रोड क्यों नहीं पार कर पाया, क्योंकि वो अंधा था। तो मैं ये स्टोरी टेलिंग आपको कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, तो मैं बता सकता हूँ तो कई तरीके में, एकदम टुकड़ों में बोलूँ, बचकानी हरकतें करूँ, छोटे छोटे वाक्य बनाऊँ, कि नो आई सॉ अ मैन, ही वॉज ब्लाइंड, ही कुड नॉट क्रॉस द रोड। दो टुकड़े हो गए, दो वर्ब यूज हुआ, मैं उसको कंबाइन कर दूँ। मैं कैसे बोलूँगा कि बीइंग ब्लाइंड ही या द मैन या द पर्सन कुड नॉट क्रॉस द रोड। बस यही तो है प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो आपको स्टेट ऑफ बीइंग वाला समझ में आ गया कि इसके अंदर बस स्टेट है। तो बीइंग नर्वस, बीइंग इल, बीइंग शॉक्ड, इस तरीके से आपको बोलना है। चलिए, तो कंप्लीट हो गया। दूसरा जो सिचुएशन होता है इसका दोस्तों, वो होता है कि साइमल्टेनियस एक्शन है। मतलब कि एक बंदा, एक सब्जेक्ट, जैसे मैं एक सब्जेक्ट हूँ, आप एक सब्जेक्ट है, अब वो एक ही वक्त में दो काम कर रहा है। मैं यहाँ पर ऐसे लेटा हुआ हूँ, तो मैं लेटा हुआ हूँ, ये भी एक एक्शन है, काम हो रहा है, मेरा लेटने का एक काम है। और मैं लेटे लेटे अखबार पढ़ रहा हूँ, मैं लेटे लेटे चाय पी रहा हूँ, मैं लेटे लेटे फ़ोन पे बात कर रहा हूँ, तो ये क्या हो रहा है? एक सब्जेक्ट, जो मैं एक सब्जेक्ट हूँ, क्या मैं दो काम नहीं कर रहा हूँ? एक लेटने का काम तो मेरा कंटिन्यू है, साथ ही साथ इसी वक्त साइमल्टेनियसली मैं किसी से फ़ोन पे बात कर रहा हूँ, या मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, या मैं कुछ पी रहा हूँ। तो इसको बोलने के लिए भी मैं ऐसे प्रेजेंट पार्टिसिपल का सहारा ले सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ कि सीधा आईएनजी आपको लगाना है, कि लाइंग ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड है, तो लाइंग ऑन द ग्राउंड आई एम शूटिंग अ वीडियो, यानी कि ग्राउंड पर लेटे लेटे वीडियो शूट कर रहा हूँ। आप ये बेड पर लेटे हुए आप चाय पी रहे, तो कैसे बोलेंगे कि लाइंग ऑन द बेड, यानी कि बेड पर लेटे हुए मैं चाय पी रहा था, आई वॉज टेकिंग टी। आप स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं तो आपसे कहानी सुनाएंगे। अगर आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का सहारा नहीं लेंगे तो और भी तरीके हैं ना आपके पास, आप टुकड़ों में बोलिए। आप बोलिए कि यस्टरडे आई वॉज लाइंग ऑन द बेड एंड आई वॉज टेकिंग टी, ऐसे बोल सकते हैं ना।
थोड़ा स्टैंडर्ड करने के लिए हमें कंबाइन करना पड़ता है। अगर आप सिंथेसिस पढ़ेंगे तो आपके समझ में आएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, कंबाइन क्या होता है, सेपरेट क्या होता है, समझ रहे गाइस? तो ये सिचुएशन समझ में आ गया। तो जैसे कि मैं किसी की आंखों में देख रहा हूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि उसकी आंखों में देखते हुए मैंने उसे आई लव यू बोला, तो साइमल्टेनियस एक्शन नहीं है। मैं आंखों में भी देख रहा हूँ और मैं आई लव यू भी मैंने बोला, एक साथ दो काम साइमल्टेनियस एक्शन है। तो मैं क्या बोलूंगा कि लुकिंग इन टू हर आईज आई सेड आई लव यू, आई सेड आई लव यू। तो इसको समझिए, मतलब कुछ भी, मैं जैसे कि मैं कैमरे को देख रहा हूँ और मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा, एक ही साथ दो काम हो रहा है ना, कैमरे को मैं देख भी रहा हूँ और मैं बातें भी कर रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा कि लुकिंग एट द कैमरा आई एम टॉकिंग, कैमरे को देखते हुए मैं बात कर रहा हूँ। मैं स्टोरी टेलिंग करूँगा तो मैं कैसे बोलूँगा कि लुकिंग एट द कैमरा आई वॉज टॉकिंग और आई वॉज सेइंग समथिंग, इस तरीके से होता है। तो ये भी समझ में आ गया, साइमल्टेनियस एक्शन। उसके बाद होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल में कि एक सब्जेक्ट ने दो काम किए, लेकिन उसमें जो टाइम इंटरवल है ना वो बिल्कुल नाम मात्र का होता है, एकदम जीरो समझ लीजिए। दो काम किया, कैसे काम किया, इधर आइए मैं आपको समझाता हूँ। मैं एक सब्जेक्ट हूँ, अब मैं दो काम कर रहा हूँ। कैसे बोलूँ कि नीचे बैठकर मैंने एक फूल तोड़ लिया, तो मैं एक सब्जेक्ट हूँ, मैंने दो काम किए ना, मैं नीचे बैठा भी और मैंने फूल भी तोड़ लिया। क्या बहुत ज़्यादा वक्त लगा बैठने और फूल तोड़ने में, क्या टाइम इंटरवल था? ज़्यादा नहीं था ना बॉस, बैठा तोड़ लिया। तो इसको कहने के लिए भी मैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का सहारा ले सकता हूँ ना, सीधा मुझे आईएनजी लगाना है कि सिटिंग डाउन आई प्लक्ड अ फ्लावर। अगर मुझे प्रेजेंट पार्टिसिपल में नहीं बोलना होता तो मैं कैसे बोलता, मैं स्टोरी टेलिंग करता, मैं ऐसे बोलता, यू नो आई वेंट टू पार्क, आई सेट डाउन एंड आफ्टर दैट आई प्लक्ड अ फ्लावर। ये भी एक तरीका है, बट हमें सिंपल, मतलब कि दो कई टुकड़ों को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बना देना है, वो भी स्टैंडर्ड बना देना है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो आईएनजी का आपको सहारा लेना है कि सिटिंग डाउन यानी कि नीचे बैठकर अगर हिंदी में सोचेंगे आई प्लक्ड अ फ्लावर, ओके। अब इसी को ग्रामर की भाषा में कहते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। लोगों को समझ में नहीं आता भाई किधर से एडजेक्टिव है, आप समझे ना समझे, आप सिचुएशन खाली समझे, सिचुएशन समझे कि सब्जेक्ट एक होना चाहिए, मैं सब्जेक्ट हूँ और उसने दो काम किए, एक किया बैठने का और तुरंत उसने दूसरा काम किया इसको तोड़ने का। और आपको मैं समझाता हूँ, ओके। जैसे मैं बोलूँ कि ये पार्क है, मैं बोलूँ कि पार्क में आकर मैंने वीडियो शूट करना शुरू कर दिया, अगर ज़्यादा टाइम गैप नहीं हुआ है तो मैं क्या बोलूँगा कि एंटरिंग द पार्क, पार्क में एंटर करते ही आई स्टार्टेड शूटिंग अ वीडियो, एंटरिंग द पार्क आई स्टार्टेड शूटिंग अ वीडियो, यानी कि पार्क में एंटर करते ही मैंने वीडियो शूट करना शुरू कर दिया। मान लीजिए कि ये रूम है, ओके, दरवाज़ा है ये, अब मैंने दरवाज़ा खोला और मैं अंदर चला गया, तो सब्जेक्ट मैं, एक सब्जेक्ट, काम कितने किए मैंने दो काम किए, दरवाज़ा खोला और मैं अंदर चला गया, तो मैं क्या बोलूँगा कि ओपनिंग द डोर आई एंटर्ड या आई वेंट इनसाइड, ओपनिंग द डोर। और नहीं तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि आई ओपन द डोर एंड आई एंटर्ड, तरीके तो कई हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल आप समझ रहे हैं, सिचुएशंस को देखिए कब कब इस्तेमाल हम करेंगे, ओके। मान लीजिए कि अब ये एक एनिमल है, अब मैं बोलूँ कि बाप रे इस एनिमल को देखकर मैंने देखा और मैं भाग गया, तो एनिमल को देखा, सब्जेक्ट एक, मैं सब्जेक्ट हूँ, मैंने दो एक्शन परफॉर्म किए, एनिमल को भी देखा और भागा, ज़्यादा वक्त नहीं लगा, टाइम इंटरवल देखिए, टाइम गैप देखिए, नहीं है। तो इसको मैं, दो तरीके हैं, या तो मैं ऐसे बोलूँ कि आई सॉ एन एनिमल एंड आई रैन अवे, मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, और नहीं तो मैं कह सकता हूँ कि सीइंग एन एनिमल, आईएनजी लगाना, प्रेजेंट पार्टिसिपल है ना, सीइंग एन एनिमल आई रैन अवे। आप सांप को आप देखे और आप डर गए, तो सब्जेक्ट आप हैं, सांप को भी देखा आपने, डरे भी आप, तो आप क्या बोलेंगे कि सीइंग अ स्नेक आई गॉट स्केयर्ड, आई गॉट फ्राइटेंड, इस तरीके से। चोर को देखकर पुलिस भाग गया, खूब आपने सुना होगा, तो चोर, सॉरी, पुलिस को देखकर चोर भाग गया, सॉरी आई वाज सेइंग कि चोर को देखकर पुलिस भाग गया, आई एम वेरी सॉरी। चोर है, उसने पुलिस को देखा और भागा, तो देखने का काम भी चोर ने किया, सब्जेक्ट कौन, चोर, देखा भी चोर ने और भागा भी चोर, टाइम गैप हुआ नहीं हुआ, देखा भी भागा, तो कैसे बोलेगा? अगर मैं स्टोरी टेलिंग करूं तो बोलूंगा ना कि सीइंग द पुलिस द थीप रैन अवे, समझ में आ रहा है? तो ये भी एक सिचुएशन था। और आप कहां प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल कर सकते हैं, कई बार हम ऐसे भी इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का कि जैसे मैंने देखा कि एक लड़की है, अब वो लड़की आई
और जब वो आई तो रो भी रही थी, आई और रो भी रही थी। तो हम हिंदी में नहीं कहते कि यार वो रोती हुई आई, ऐसे बोल देते हैं ना। तो यहाँ भी आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि दैट गर्ल केम क्राइंग, इतना ही बोल सकते हैं। दैट गर्ल केम क्राइंग, वो लड़की आई रोती हुई। मैं वहाँ पर नाचता हुआ गया, मैं वहाँ पर नाचता हुआ गया। आई वेंट देयर डांसिंग, इस तरीके से बोल सकते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मैंने ना भाई साहब उसको सिगरेट पीते हुए देखा, मैंने उसको सिगरेट पीते हुए देखा। तो ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगा कि मैंने देखा, आई सॉ हिम, मैंने देखा तो क्या कर रहा था, वो सिगरेट पी रहा था, तो आई सॉ हिम स्मोकिंग। ये सिचुएशन भी प्रेजेंट पार्टिसिपल का है गाइस। आई सॉ हिम स्मोकिंग, मैंने उसको सेब खाते हुए देखा। आई सॉ हिम या हर ईटिंग एन एप्पल। तो समझ में आ रहा है, ये सब प्रेजेंट पार्टिसिपल है गाइस, ये सब सिचुएशंस हैं, आप इसका इस्तेमाल कीजिए ना। तो आई थिंक इतना काफ़ी होगा। आप इसके अंदर पैसिव भी लगा सकते हैं, जैसे मैं बोलूँ कि यार डांट सुनकर वो भाग गया, तो एक सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट, डांट सुना किसी से और भागा भी वही, डांट भी वही सुना भागा भी वही। अगर टाइम गैप नहीं है तो आप बीइंग लगाइए ना कि बीइंग इज कॉल्ड इट, बीइंग इज कॉल्ड इट ही रैन अवे। हालांकि हम इसको परफेक्ट पार्टिसिपल में बना सकते हैं अगर टाइम गैप ज़्यादा हो। तो अगर आपको ये चाहिए तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि जैसे कि धमकी जब उसे मिली तो रोने लगा, तो धमकी भी उसे मिली रोया भी वही, तो बीइंग थ्रेटन्ड ही स्टार्टेड क्राइंग। ये सब प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो मैं आपको बस सिचुएशनल बता रहा हूँ। और तो ये तो हो ही गया प्रेजेंट पार्टिसिपल की, दो तीन टुकड़ों को आपने मिलाकर एक कर दिया। इसके बाद हम कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं, मतलब आईएनजी लगा रहेगा ना तो वो एक पूरा वो एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे कि मैं बोलूँ कि कन्फ्यूजिंग चैप्टर, ओ दिस इज़ अ कन्फ्यूजिंग चैप्टर। तो ऐसे भी प्रेजेंट पार्टिसिपल काम करता है जो प्योर एडजेक्टिव का काम करता है, उस चैप्टर को क्वालिफाई कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है कि चैप्टर कैसा है, तो कन्फ्यूजिंग चैप्टर। तो मैंने कम से कम 10 ऐसे वर्ड्स लिखे, आप एक लिस्ट निकाल सकते हैं, आप किसी किताब में हो या गूगल से निकाल सकते हैं। फिलहाल मैं आपको समझाऊं कि यहाँ भी प्रेजेंट पार्टिसिपल आप इसको बोल सकते हैं, हालांकि एडजेक्टिव मैं इसको बोलता हूँ, आईएनजी वाला एडजेक्टिव, बट नाम तो इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल ही है। जैसे कि मैंने लिखा है कि ड्विंडलिंग पॉपुलेशन, जैसे पॉपुलेशन है, अब वो ड्विंडल हो रहा है मतलब कम हो रहा है, तो कम होता हुआ पॉपुलेशन, तो ड्विंडलिंग पॉपुलेशन ऐसे बोल सकते हैं। मैंने एक लिखा है टायरिंग डे, अब जैसे किसी का दिन बिल्कुल थकाऊ है, थकाने वाला दिन है, तो इट वॉज अ टायरिंग डे। तो टायरिंग डे मतलब उस डे को क्वालिफाई कर रहा है, तो हमने टायरिंग बोला, आईएनजी लगा दिया। अगर हम बोलना है कि डिस्टर्बिंग ड्रीम, यार मैंने ना एक सपना देखा, सपना बड़ा डिस्टर्बिंग था, इट वॉज अ डिस्टर्बिंग ड्रीम, तो हम सपने को क्वालिफाई कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ विशेषता बता रहे हैं, तो ये सब क्या है, एडजेक्टिव है। बोरिंग डे, खूब सुना होगा बोरिंग डे, तो बोरिंग क्या है, ये सब प्रेजेंट पार्टिसिपल है। चैलेंजिंग वर्क, ये चैलेंजिंग क्या है, चैलेंज में आईएनजी ही तो लगा है ना, तो ये क्या है, चैलेंजिंग हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है। फ्रस्ट्रेटिंग जॉब, जॉब किसी की फ्रस्ट्रेटिंग होती है, तो जॉब के बारे में कुछ विशेषता बताई जा रही है, तो फ्रस्ट्रेटिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है। मैं बोलूँ कि इंटरेस्टिंग बुक, ओ ये बुक तो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो तो बुक के बारे में हम कुछ बता रहे हैं, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। मैं बोलूँ कि शॉकिंग न्यूज़, हम न्यूज़ के बारे में बता रहे हैं कि न्यूज़ कैसा है, तो शॉकिंग है। हम बोले एम्बैरेसिंग मोमेंट, वो मोमेंट बड़ा ही एम्बैरेसिंग था, तो मोमेंट के बारे में बता रहे हैं। तो ऐसे कम से कम 50 है कि 100 है कि 200 है, बहुत वर्ड्स मिल जाएंगे, ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो अब मैं इसको दोहराऊंगा नहीं, वीडियो बड़ी हो चुकी, आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। तो ये था आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल सिचुएशन। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।